ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। भारत इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद शोक में डूबा हुआ है। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं एक ऐसा एक्टर भी है जो उनके जाने के बाद अपने आप को अनाथ बता रहा है। दरअसल अटल जी के करीबी रहे शत्रुघ्न सिन्हा उनके जाने से काफी सदमे में है। उन्होंने एक के बाद एक तीन ट्वीट्स किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, एक दौर का अंत, वाह कितने शानदार व्यक्तित्व, सबसे शानदार पार्लियामेंटेरियन में से एक, एक अनुकरणीय वक्ता और तीन दफा भारत के असाधारण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे। एक बौद्धिक उत्कृष्टता, एक बुद्धिमत्ता से भरा हुआ शख्स, एक शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर और एक दयालु हृदय कवि। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चूंकि सबसे परम श्रद्धे और सम्मानित संस्था हमें छोड़ गई, एक सच्चे पिता तुल्य शख्स चले गए, वास्तव में मैं अनाथ महसूस कर रहा हूँ। हम हमेशा आपको याद रखेंगे और जिंदगी के सही रास्तों के लिए आपकी गाइडेंस को कभी नहीं भुला सकेंगे। मैं विनम्रता पूर्वक परिवार और प्रियजनों को मेरी प्रार्थनाओं और दिल से संवेदना देता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये ट्वीट्स करने के बाद एक पिक्चर भी शेयर की जिसमें वो अटल जी और लाल कृष्ण अडवाणी के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही अपनी सरकार में शत्रुघ्न सिन्हा को मंत्री बनाया था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे।